दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैया की। हाल फिलहाल में सागर दत्ता हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, जो कि कमरहट्टी में स्थित है, वहां एक छोटी बच्ची जिसके खेलते खेलते नाक में मोती का एक दाना, एक छोटा सा कण अटक गया था, जिसके माता पिता ने तुरंत उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, बच्ची का को देखने के बाद, प्रारंभिक जांच करने के बाद इलाज करने से इनकार कर दिया और ये कारण दिया कि उनके पास जो है नेसेसरी इक्विपमेंट नहीं है, यानी जो इलाज करने के लिए जो साजो सामान है वो नहीं है। वहाँ उपस्थित एक समाज सेवक श्री अमजद खान जी, जो कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी है, उनके प्रयासों से तुरंत ही बच्ची को, जो कि दर्द से कर्रा रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, उसे पास ही एक डॉक्टर के क्लिनिक में लाया गया, जहां डॉक्टर के जो क्लिनिक के मालिक है श्री वासुदेव दास जी ने 2 मिनट में बच्ची के नाक से जो है मोती का कण निकाल दिया। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है। देखते पाच्छी जे एखाने एकटा 2 बछरेर बाच्चा के आमार सामने निये एसेछे, तो ओके आजकेर 3:35 सागर दत्त हासपाताले निये गेछिलो। सागर दत्त हासपाताल এটা যেটা একটা মেডিকেল কলেজ, সেখানে একটা ছোট পুঁথি সেটা নাকের ভিতরে ঢুকে গেছে, ফরেন বডি ইনসার্টেড ইনটু দি নস্টিলস, ফরেন বডি ইনসার্টেড ইনটু দি নস্টিলস। তো এইটাকে একটা হসপিটাল, মানে এত বড় একটা হসপিটাল যেটা মেডিকেল কলেজ, সেখান থেকে ফিরিয়ে দিল, বলল নো ইকুইপমেন্টস ইজ হিয়ার। আমি বুঝতে পারলাম না, আমার কাছে নিয়ে আসলো, আমার তো 1 মিনিট লাগলো না, আমি বার করে দিলাম। তো এত বড় একটা কলেজ বা নার্স, এতে ইকুইপমেন্টস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, নো ইকুইপমেন্টস ইজ হিয়ার, হাউ দিস ইজ পসিবল আই ডোন্ট নো। আমার খুব খারাপ লাগছে, বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরেই খুব কষ্ট পেয়েছে, তো আমি 1 মিনিটের মধ্যে বার করে দিয়েছি, এবং যেটা বার করে দিয়েছি সেটা আপনাদের দেখিয়েও দিচ্ছি, যে দেখুন এটা নাকের মধ্যে, দেখুন এটা নাকের মধ্যে ঢুকেছিল, দেখুন এটা নাকের মধ্যে ঢুকেছিল, 1 মিনিটের মধ্যে আমি বার করে দিলাম। दोस्तों ये बड़ी शर्म की बात है, जहां डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं, वहां उनका ये कहना कि नेसेसरी इक्विपमेंट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी नामी मेडिकल कॉलेज, इनका ये कहना और ये कह के पल्लू झड़क लेना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा करता है। और हमारे चैनल के माध्यम से राज्य की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी से हमारा ये आग्रह है कि वो मौके की गंभीरता को समझते हुए इसकी तहकीकात कराए और इसके पीछे जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले जो लोग हैं 100 बार सोचें। और जहां ममता बनर्जी को गरीबों का मसीहा के रूप में पश्चिम बंगाल में देखा जाता है, उनकी छवि जो है लोगों में बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद।